51 साल पहले की कुर्बानी को सलाम। अमर जवान शहीदों की बात करते हैं। क्षण भर अपने जीवन से निकालकर आइए उन वीरों के शौर्य को याद करते हैं। बलिदानों से ही मिलती आई शांति संसार को, किसी के उजड़ते घर रहे कोई खोकर खुशियां और मिटते दुख हजार को। सज गए सितारे वर्दी पर उनके, बच गया वीरों का संदेश और उनके बलिदानों की शांति में जन्मा था बांग्लादेश। स्वतंत्र होने को लड़ती, अस्तित्व के लिए झगड़ती आवामी, बच्चों के चीखे सुनाती, स्त्रियों के अस्मिता बचा ना पाती नाकामी, बिलकती इंसानियत सुनाती रजाकारों के हैवानियत की कहानी। रुकना यहीं नहीं, अब अपना घर भी उन्हें छोड़ जाना था। भरोसा भी नहीं रहा गैरों पर, न दूर दूर तक कोई ठिकाना था। चला साथ में वही जो भी किसी के हाथ लग गए, मुसीबत इतनी आई सामने कि सभी के हिम्मत जवाब देने लग गए। संग्राम को होकर तैयार जन्मी मुक्ति वाहिनी, अंदर से ही प्रहार किया, गुरिला युद्ध से हैवानों का संहार किया। इंतजार था तो बस सर्दियों का, मानसून में खून की बारिश हो रही थी, नियति के खेल में जिंदगी भी चीख चीख कर रो रही थी। 3 दिसंबर को पाकिस्तानी चंगेज का भारत पर आक्रमण था, फिर दुनिया ने देखा भारतीय वायु वीरों का पराक्रम था। लोंगेवाला की धरती से एक अमिट इतिहास बनाया, 120 सपूतों ने अपने शौर्य से हजारों पाकिस्तानियों का उपहास उड़ाया। चल पड़े थे 8 देश के बेड़े भारत मिटाने, खड़ा था विक्रांत अकेले निशाना ताने, हारे थके देश की जल सेना, गाजी पनडुब्बी से अमेरिकी ताकत दिखा रही थी, 8 देशों से लड़ने को भारत के पीछे खड़ी सोवियत अपनी दोस्ती निभा रही थी। अब आखिरी वार था पाकिस्तान का, भाग खड़ा हुआ जब देखा वीर निर्मलजीत सिंह शेखों सा। अंत हुआ 13 दिन तक चलते रहे संग्राम का, जय जयकार हुआ देश में भारतीय वीरों के नाम का। 16 दिसंबर महज एक दिन, एक तारीख नहीं, ये कहानी है जो बयां करती है हौसलों से भरी हुई बीती उस शाम की। ये शब्दों की माला श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से उन शहीद भारतीय वीरों और उनकी वीरता को। जय हिंद, जय भारत।